कठोर सजा देने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव विगत 1 अप्रैल को ही राज्य भाजपा की कार्यकारिणी में बैठक में प्रस्तावित किया गया और पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि इस तरह की घटनाएं मानवता के नाम पर कलंक हैं और हम इस तरह की घटनाओं को धार्मिक रंग देने की कड़ी निंदा करते हैं। ये प्रस्ताव है, लेकिन मुझे कहीं पर भी यह प्रस्ताव पढ़ने को नहीं मिला। साथ ही कल हमारा अनशन था, उस अनशन में भी मुझे ये प्रतीत हुआ कि अनशन चल रहा है जो कि लोकतांत्रिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था, केंद्र सरकार के काम से जुड़ा हुआ था, संसद की कार्रवाई से जुड़ा हुआ था, लेकिन बार बार मीडिया के मेरे बंधु जो हैं वो कठुआ और उन्नाव की ही बात कर रहे थे। और कठुआ और उन्नाव को लेकर मैंने मंच से भाषण किया है और उस मंच के भाषण के माध्यम से मैंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता होते हुए, पार्टी की प्रवक्ता होते हुए, हम किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति के साथ और खास तौर पे महिला या बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके साथ अगर कोई भी इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो उनको पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये YouTube पर भी है, नेट पर भी है, बावजूद उसके कहीं पर ये बयान नहीं छपा है। तो आज आप लोगों के माध्यम से इस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ कि जिस तरीके का एक वातावरण देश में बनाने की कोशिश है, देश हम सबका है और हमारे इस देश में हम सबको जिम्मेवारी से अपने जो कदम है वो रखने हैं, अपराधी कोई छूट ना जाए और माहौल में कोई खराबी पैदा ना हो, इसकी हमें कोशिश करनी है। और अपराधियों को लेकर मैं आपके सामने 2-3 तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि जब ये विषय, मैं पहले कठुआ का आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कठुआ के अंदर एक बहुत ही फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तुरंत क्राइम ब्रांच को जो है मैटर सौंपा गया और 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं पर भी ये विषय लोगों के सामने नहीं आया है कि 6-7 लोगों की गिरफ्तारी इस केस में पहले हो चुकी है। SIT का गठन किया गया और हीरानगर का ये मामला है और जिसके अंदर CJM को केस कमिटल के लिए चला गया है। एक तरफ बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सलाठिया जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम इस पर न्याय चाहते हैं और दूसरी तरफ हाई कोर्ट को बंद करने की घोषणा की है। और सलाठिया जी ऑन रिकॉर्ड मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद के पोलिंग एजेंट थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की खतरनाक राजनीति इस देश में हो रही है। महिलाएं, बच्चे, और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रही, मेरा इसमें बहुत भाव से ये कहना है और मानना है कि उनकी कोई जात और धर्म नहीं होता। बच्चे सबके बच्चे हैं और महिलाएं सब महिलाएं हैं, किसी जाति किसी धर्म की हों, अगर उनके साथ कहीं पर भी प्रताड़ना हो रही है तो हमें उन महिलाओं के साथ ही खड़े रहना है। उसके अलावा देश के पास कोई दूसरा रास्ते और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जहां महिलाओं और बच्चों की बात होती है उस पर इस तरीके की घृणात्मक राजनीति की जाए। और महिला जो वकील इस केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स की तरफ से अपीयर हो रही है, वो महिला वकील का ये कहना है कि मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं इस केस में अपीयर ना हूं, और इन्हीं लोगों द्वारा बनाया जा रहा है जो कि वहां पर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन की मलकियत अपने पास रखते हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार की घृणात्मक राजनीति जम्मू कश्मीर में की जा रही है। साथ ही अगर मैं विषय दूसरा उन्नाव वाले विषय पर मैं आपको एक डेटलाइन देना चाहती हूँ और वो डेटलाइन आवश्यक है ताकि आपके मन में जो प्रश्न है उनका भी स्पष्टीकरण हो जाए। तो डेटलाइन ये है कि ये घटना जो है उन्नाव वाली करीब 10 महीने पहले की है और 10 महीने पहले 11 जून को 2017 को ये पीड़िता गायब हुई थी। तो एक युवती है, घर से अगर निकल जाए, चली जाए, कुछ भी हो जाए तो जाहिर तौर पे वो पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है, मिसिंग कंप्लेंट।
तो पीड़िता के परिवार ने शुभम और अवदेश नाम के दो लोगों पर यह केस दर्ज किया। तो 11 जून से 21 जून तक ये घर नहीं थी। 21 जून को ये लौट कर आई और जब ये 21 जून को वापस आई तो 22 जून को तुरंत कार्रवाई के मुताबिक पुलिस ने इनका बयान मैजिस्ट्रेट के सामने करवाया। मैजिस्ट्रेट के बयान के दर्ज होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया कि अगवा करने वाले कौन थे और उनके साथ संबंध रखने वाले कौन लोग थे। उस बयान में विधायक का नाम नहीं दिया और उसके बाद जून के महीने की शुरुआत में एक नया मोड़ आया कि जुलाई में उन्होंने मतलब जून और जुलाई के बीच पीड़िता ने प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी और विधायक कुलदीप सेंगर के ऊपर रेप का आरोप लगाया। तो इसके बाद जाहिर तौर पे पीएमओ एक्शन में आएगा, किसी महिला का अगर कोई चिट्ठी उनको प्राप्त होती है तो महिला की चिट्ठी प्राप्त करने के बाद तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री और बाकी तमाम लोगों से विषय की जानकारी प्राप्त करके संज्ञान में लेकर जो भी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई का कहीं ना कहीं आदेश भी दिया ही होगा। 30 अक्टूबर को विधायक समर्थकों ने पीड़िता के परिवार पर मानहानि का केस किया क्योंकि उनको लगा कि भाई इन्होंने जब मैजिस्ट्रेट के आगे बयान दिया था तब तो नाम नहीं लिया, अब ये बदनाम करने के लिए हमारे को जो है केस कर रही है, तो मानहानि का केस हुआ। आपस में झगड़ा दो साइड के बीच में शुरू हो गया और 22 फरवरी को उन्नाव की अदालत में अर्जी लगाई गई और उसके बाद उन्होंने शुभम की मां के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने नौकरी दिलाने के बहाने से विधायक के घर वो लेके गई और इसी प्रकार से फिर मारपीट हुई। जो पीड़िता के पिता हैं वो 3 अप्रैल को वापस आ रहे थे घर तो आपस में मारपीट हो गई और मारपीट में जो पुलिस जब मारपीट होती है तो उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस लगा। आर्म्स एक्ट के केस के अंदर आपसी रंजिशों का ये नतीजा और जब आर्म्स एक्ट का केस लगा तो जेल अथॉरिटीज ने उन्हें वापस हॉस्पिटल भेजा ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उनकी क्या स्थिति फिजिकल ऐसी है कि उनको जेल भेजा जा सकता है या कुछ किया जा सकता है। तो गलत रिपोर्ट सीएमओ की तरफ से आई और उसका आप नतीजा देखिए, जो सीएमओ हैं उनके डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर डी के द्विवेदी सीएमओ थे, डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय इमरजेंसी में थे, दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि फादर इज फिट टू गो टू जेल। तो उन दोनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई है। कुंवर बहादुर सिंह जो कि डेप्टी एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा। एमएलए को भी जो है पुलिस ने सीबीआई ने इंटरोगेशन में ले लिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांग थी कि पुलिस से कार्रवाई को हटाकर, उत्तर प्रदेश पुलिस से कार्रवाई को हटाकर सीबीआई जांच के लिए भेजा जाए। तो उत्तर प्रदेश से पुलिस को हटाकर सीबीआई जांच के लिए भेजा जाए, ये कार्रवाई 9 तारीख को शुरू हुई। 9 अप्रैल को ये जब हुआ तो एडीजी की मतलब जिले, नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन और बाकी प्रोसेसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिले के लेवल पर होती है, लेकिन इसको सीधा एडीजी के लेवल पर ले जाया गया इसकी मामले की संगीनता को जानते हुए। एडीजी ने 5 अफसरों की एसआईटी गठित की और 5 अफसरों की एसआईटी ने 9 के बाद 11 तारीख को अपनी रिपोर्ट दे दी। 11 की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई होकर रातों रात ये मामला सीबीआई को, तीनों मामले सीबीआई को दे दिए गए और सीबीआई के पास 12 तारीख की कार्रवाई में उन्होंने तीनों मामलों की इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लिया और जो भी प्राइम एक्यूज थे इंक्लूडिंग एमएलए उसको इन्होंने इंटरोगेशन के लिए अभी भी बिठाया हुआ है और अभी भी उसके पास है। और जो उसका भाई था एमएलए का अतुल सिंह, उसको मारपीट के केस में जो लड़की के वारदात हुई थी, लड़की के पिता के ऊपर जो वारदात हुई थी उस केस में अतुल सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर्कल ऑफिसर का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिप्टी एसपी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी लोगों के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन मामलों में मैं सिर्फ एक केस जो कि इन दोनों केसेस से थोड़ा सा अनकनेक्टेड है लेकिन मैं आपके संज्ञान में ज़रूर लाना चाहती हूँ
क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिलाएं, बच्चे और पीड़ित किसी धर्म, किसी जाति के नहीं होते, वो देश के होते हैं। और देश के ऐसे समाज में जहां उनको न्याय व्यवस्था के तहत या प्रशासनिक व्यवस्था के तहत न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहां पर उनको पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप के मैं पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि पार्टी पक्ष में नहीं है। और पार्टी ने ऐसा कई कई मौक़ों पर आप सबके सामने, चाहे वो हमारी कार्यकारिणी थी उसके माध्यम से और बाकी के बयान के माध्यम से, निर्मल सिंह जी के बयान के माध्यम से, पर वो शायद दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते वो सारी चीज़ें रह जाती हैं। और मेरे को तो कल मैंने अपना बयान दिया है जो कि यूट्यूब पर भी मौजूद है, बावजूद उसके उसको वो कहीं दिखने में नहीं आया। तो आप सबसे आग्रह रहेगा कि उसकी रिपोर्टिंग ठीक हो। एक केस मैं आपके सामने ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जो उन्नाव वाला केस है वो तकरीबन 10 महीने पुराना केस है, जो कठुआ वाला केस है वो 3-4 महीने पुराना केस है, जनवरी का केस है, लेकिन अप्रैल में भी एक केस हुआ इस देश में, और वो अप्रैल का केस है असम का नएगांव का। नएगांव के केस में 5वीं क्लास की छात्रा जो कि 12 साल की थी, 12 साल की छात्रा के साथ रेप किया गया, कैरोसिन डालकर उसको जलाया गया, और इस कार्रवाई में शामिल होने वाला जाकिर हुसैन 21 साल का था और 2 अन्य लोगों के साथ था। अगर उस केस को इस देश का मीडिया और इस देश का मानवीय तंत्र जो है मानता है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसा क्या कि इन 2 केसेस के अंदर मानवीय जो संरचना है वो ये नहीं मानती कि इन केसेस के अंदर भी कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए? हर विषय राज्य के जो विषय है उसको केंद्र में कुछ चुन चुन कर इस प्रकार से लाया जाना, मुझे लगता है हर रेप को आप राजनीतिकरण ना करें तो बेहतर होगा। महिलाओं के उत्पीड़न को, बच्चों के उत्पीड़न को, महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न की निगाह से ही देखा जाना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये लड़की असम से जो नए गांव की लड़की थी उसकी भी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसको जलाकर मारा गया है, कैरोसिन डालकर। लेकिन कुछ लोग उस विषय पर चुप हैं और बाकी विषयों को गलत तरीके से उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कार्रवाई पूरी तरीके से हो चुकी है और हो रही है। आपके कुछ भी प्रश्न हैं मैं सम्मान पूर्वक उनको जवाब देना चाहूंगी। मैम, एक्शन देर आर टू वेज। वन इज दैट पीपल हु आर इन पब्लिक लाइफ वी आर नॉट सपोर्टिंग, दैट्स एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ टू पीपल। सो फार एज पार्टी स्टैंड इज क्लियर, पार्टी हैज़ ऑलरेडी कंडेम्ड दिस एक्ट, पार्टी हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन। 2 इंडिविजुअल वर मिसलेड by the people, and when you are in public life there are people who come up to you who give their stands of story, so lesson to them is not to believe one side or the other and let the law take its course. And this is exactly my suggestion to everyone: allow law to take its course before opening your mouth. Are you telling me that two adult BJP members? Of course.